दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड पर अपना नाबाद श्रृंखला रिकॉर्ड बनाए रखा। दो मैचों की श्रृंखला को 1-1 से बराबर किया और पहले बल्लेबाजी करने का चयन करने के बाद हेगले ओवल में एक मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई। उन्होंने न्यूजीलैंड को 426 रनों का लक्ष्य दिया और उन्हें 227 रन पर आउट कर एक पारी और 276 रनों से पहला मैच हारने के बाद एक उल्लेखनीय वापसी की, जो उनकी अब तक की दूसरी सबसे बड़ी हार थी। न्यूजीलैंड ने अंतिम दिन असामान्य रूप से लापरवाह अंदाज में 61 रन देकर 6 विकेट गंवाए और शुरुआती चाय पीने के बाद हवा में बारिश के साथ 9 गेंदों पर आउट हो गया। एक ऐसी पिच पर जिसमें पूरे 5 दिनों में तेज गेंदबाजों के लिए कुछ न कुछ था। कगिसो रबाडा ने मैच में 8 विकेट लिए, जिसमें उनका 11वां करियर 5 विकेट और मार्को जॉनसन 7 विकेट था, जबकि केशव महाराज दोनों शी में खेलने वाले एकमात्र स्पिनर थे। अल्पविराम ने न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में 75 रन देकर 3 विकेट लिए। स्पिनर के खेल में आने के बावजूद अंत तक रन स्कोरिंग के लिए स्थितियां भी अच्छी रहीं। लेकिन न्यूजीलैंड के पास दक्षिण अफ्रीका पर पहली श्रृंखला जीत हासिल करने के लिए स्कोर करने के लिए बहुत कुछ था। डेवोन कॉनवे और टॉम ब्लंडेल ने सुबह की शुरुआत सकारात्मक रूप से दिन के पहले 8 ओवरों में 33 रन बनाकर की। कॉनवे चौथे दिन 5 पर गिरा, 60 पर फिर से शुरू होने से पहले रबाडा को 4 के लिए गली की चौड़ाई में डब किया। इससे पहले ब्लंडेल ने बैक ऑफ ए लेंथ और फुल जैनसन डिलीवरी पर बाउंड्री लगाई। दक्षिण अफ्रीका अपनी डिफॉल्ट शॉर्ट गेंद पर चला गया और कॉनवे ने रबाडा को खींच लिया, जबकि ब्लंडेल ने जेनसन को ठीक से लपका। वियान मुलेटर के परिचय ने सीमाओं को सुखा दिया। ब्लंडेल के आउट होने से पहले उन्होंने और रबाडा ने न्यूजीलैंड के बिना रस्सी को तोड़े बिना 6 ओवर फेंके। जब वो मुल्डर को थर्ड मैन के पास ले गए, एक बार दबाव बनने के बाद महाराज को लाया गया और लगभग तत्काल इनाम मिला। उन्होंने सोचा कि जब बल्लेबाज रिवर्स स्वीप से चूक गए तो उन्होंने कॉनवे को LBW आउट कर दिया और एल्गर ने LBW के लिए समीक्षा की, लेकिन सतह पर उछाल का मतलब था कि गेंद स्टंप्स के ऊपर जा रही थी। यह सफलता पाने के लिए दक्षिण अफ्रीका के हमले के सबसे कम अनुभवी सदस्य लूथो सिपमला पर निर्भर था। पारी के अपने 12वें ओवर में और उस समय तक बिना विकेट के सिपमला ने एक पूर्ण गेंद फेंकी जिसने कॉनवे के प्रयास को हरा दिया और उन्हें लेग स्टंप के साथ मारा। उन्हें मैदान पर आउट दिया गया और उनकी समीक्षा की गई, लेकिन बॉल ट्रैकिंग से पता चला कि सिपमला लेग स्टंप पर जा सकती थी और कॉनवे की पारी का अंत हो गया। संभावित चौथे टेस्ट शतक से 8 कम विकेट सिपमला की लंबाई के लिए इनाम था, जो कि बाकी आक्रमणों की तुलना में अधिक भरा हुआ था और लगभग उसी ओवर में एक और लाया। उन्होंने पहली पारी में शतक लगाने वाले कॉलिंडी ग्रैंडहोम के खिलाफ अपील की थी, जो कि क्रीज के चौड़े हिस्से से लगी हुई थी, लेकिन एल्गर ने समीक्षा नहीं करने का फैसला किया। रिप्ले से पता चला कि यह सही फैसला था और वो मौका चूक गया था।